आप सभी का लर्न स्पायर पे। आज हम लोग टॉर्च में अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। सो बेसिकली जनरल डिफेंसेस इज आवर सेकंड चैप्टर। इन द फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, टॉर्च क्या होता है, नहीं होता है, टॉर्च के बीच, टॉर्च वर्सेस टॉर्च के बीच में डिफरेंस। अगर नहीं देखा है ना भाई तो सारे वीडियोस पहले के देख लो। तो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आज से हम लोगों को जनरल डिफेंसेस को शुरू करना है। जनरल डिफेंसेस में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। एक बात तुम्हें बता दूं, आज के इस टॉपिक को पढ़ने में तुमको मजा बहुत आने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी प्यारी, इतनी मजेदार चीजें मालूम पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ केस लॉस। तुम कहोगे सर कहानी बड़ी बढ़िया सुना रहे, मजा आ गया सुन के, ठीक है। और लर्निंग मतलब कहने ही कुछ नहीं, ठीक है। तुम लोग इसको टॉपिक को पढ़ चुके हो पहले अपने क्लैट प्रिपरेशन के दौरान, आई नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब हम LLB में आ चुके हैं दोस्त, है ना। तो हम लोगों को केस लॉस मालूम होने चाहिए। तुम कहोगे सर आज तो आपने हद ही कर दी, मतलब मैं शायद तुमको पांच ये दो चार मतलब 8-9 केस लॉस इसी वीडियो समझा दूंगा। तुम कहोगे सर रट्टा मारने हैं, मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? कहानी ब्रो, हम लोग इतने अच्छे से उसको समझ लेंगे ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। सो ज्ञानबाजी हो गई, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया क्या कहता है? वॉलेंटाइन वॉलेंटरली, खुद से स्वयं, इंजूरिया इंजरी, अगर कोई बंदा खुद से कंसेंट दे देता है इंजरी फेस करने की तो वो उसके लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकता है। क्या कह रहे हो सर? एग्जांपल देता हूं, एक बात बताओ, कई मैच देखने गए हो, जरूर गए होगे, ठीक है। धोनी साहब बड़े पसंद है, कोहली साहब बड़े पसंद है। अगर कोहली साहब ने खड़ा से छक्का मारा और तुम्हारे सर पे आके लगी, तुम कोमा में चले गए या तुम्हारे साथ बहुत तुमने सीवियर इंजरी फेस करी, तो क्या तुम कोहली साहब पे केस फाइल कर पाओगे तुमने हमको इंजर किया? सोचो सोचो सोचो। नेक्स्ट केस, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। यहां पे अगर हम बात करें, अगर तुम रेसिंग क्लब में F1 रेसिंग टाइप की जो होती है ना, वहां देखने पहुंच गए, ठीक। वहां पे अगर तुम किसी तरह से उस ट्रैक पे गिर गए, ठीक। कहोगे सर कैसे कैसे? मैं बता रहा हूं केस में हुआ ऐसा। अगर उस ट्रैक पे गिर गए या फिर वो गाड़ी पलट गई और किसी तरह से तुम्हारे को हिट हो गई आके, तो क्या तुम उसके लिए केस फाइल कर पाओगे? बोलो, नहीं कर पाओगे। क्यों सर? दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि तुम क्यों नहीं कर पाओगे। यू हैव गिवन योर कंसेंट। तुम जब टिकट बाय कर रहे हो ना क्रिकेट मैच की, तो तुमको पता होना चाहिए कि छक्का उठ सकता है, बॉल हवा में आ सकती है और मेरे को हिट कर सकती है। अब अगर तुम ये सब जानते हो उस मैच के, उस प्लेग्राउंड में जाते हो और भाई फिर तुम्हारे बॉल लग जाती है, सो यू कांट फाइल अ केस। तुमको नहीं मिलेंगे डैमेजेस बंदा, ना तुम कोहली ना धोनी और ना ही क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स, किसी पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है ब्रो, ठीक है। सो टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, ठीक है। समवन हू हैज गिवन हिज कंसेंट, इंजरी नहीं मानी जाएगी। नाउ हम लोगों को बेसिकली यहां पे मेन बात यह है ना कि इसको अवेल करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको फुलफिल होना चाहिए। कि जो कंसेंट है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उस तरह की नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब हम समझेंगे। यही हमारा आज के टॉपिक को डिटेल में घुसने का प्रयास रहेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ कंसेंट? कंसेंट मस्ट बी फ्री, इट शुड नॉट बी विशिएटेड बाय एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन। समझ रहे हो ना? इस तरह से क्या कह रहे हो सर? नहीं आ रहा समझ में। एग्जाम्पल लो, केस उठाओ, लक्ष्मी राजन वर्सेस मलर हॉस्पिटल लिमिटेड। यहां पे 40 साल की एक वुमेन थी, इनके ब्रेस्ट में लंप्स पड़ चुके थे, इनको ऑपरेशन की सर्जरी के लिए इन्होंने एग्रीमेंट दिया, इन्होंने कहा कि हाँ आई एग्री, आई कंसेंट टू द सर्जरी। ड्यूरिंग द सर्जरी द सर्जन रिमूव्ड हर यूटरस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि साहब हमने तो कंसेंट नहीं दिया था अबाउट द रिमूवल ऑफ माई यूटरस, ओके। सो मेरा कंसेंट यहां फ्री नहीं था। So the surgeon saying that कि वुमेन ने सर्जरी के लिए कंसेंट दिया था,
इट्स नॉट अवेलेबल. समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज हर कंसेंट अबाउट द रिमूवल ऑफ हर यूट्रस वाज नॉट फ्री. अबाउट द ऑपरेशन ऑफ सर्जरी इन हर लम्स इन द ब्रेस्ट, दिस वॉज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. कैसे कह रहे हो सर? बताता हूं. देखो, हैगार्टी वर्सेस शाइन और आर विलियम, आर वर्सेस विलियम्स के दो केस उठाऊंगा. एक केस में क्या होता है, एक इंसान ने दूसरे अपने लवर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक, उसके दौरान वेंट्रल डिसीज उसको हो गई. नाउ शी सेज कि भाई हमने कंसेंट जो दिया था वो फ्रॉड के थ्रू हुआ, अब मेरे को डैमेजेस दो. नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक 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 तुम लोगों ने मैक्सिम पढ़ी होगी, मैं बताता हूं टू रीजंस बिहाइंड दिस क्यों नहीं मिलेंगे. मैं वो रीजन बता रहा हूं, ठीक है, तुम लोग यहां ध्यान से देना. एक मैक्सिम पढ़ी होगी, एक्स टर्पाए कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, पढ़ा है? इसका मतलब मैं रिवाइज करा देता हूं, तुम जानते हो इसको. नो एक्शन अराइजेस आउट ऑफ ए इमोरल कॉज, ठीक है. सो यहां पे जो केस फाइल हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज सेड कि एक्सटर पे कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, एंड द नेक्स्ट क्लॉज कि वो कह रहे हैं कि साहब फ्रॉड हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने यहां पे कंसेंट जो दी है वो अपनी मर्जी से दी है, दैट आई वांट टू हैव दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स. यहां पे टू द वेरी रियल नेचर ऑफ दैट अंडरलाइन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट वाले केस में तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं कि टू द वेरी रियल नेचर ऑफ द एक्ट में अगर तुम्हारा फ्रॉड हो रहा है ना, देन यू कैन अवेल द डिफेंस. क्या है सर? कैसे? तो आर वर्सेस विलियम्स उठा लो. आर वर्सेस विलियम्स, यहां पे एक इंसान ने एक छोटी 16 साल की लड़की को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि इफ शील हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम देन द विंड पाइप और द वोकल्स ऑफ हर और हर वॉइस विल गेट इंप्रूव्ड इफ शी हैव द पीनिस इंसर्टेड इनटू हर वजाइना. Getting the point. So here the girl was even not knowing the nature of the act. She was not even knowing कि उसके commit क्या हो रहा है. And this is why the fraud, this is why the consent of VNFI is not available to that person. ठीक है? The girl has not consented to the very real nature of the act. समझ रहे हो? याद कर लेना, to the very real nature of the act. कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्शन, इसकी कहानी भाई मेरे पता है मोस्टली कहां आती है? जब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है. कई दफा ऐसी सिचुएशन ऑब्टेन्ड हो जाती है जहां पे एक सर्वेंट को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसकी मर्जी के खिलाफ हैं. क्यों करने पड़ते हैं? अगर नहीं करेगा तो शायद उसकी नौकरी चली जाए, ठीक है. सो अंडर दैट दो सर्कमस्टांसेस अगर उसकी कंसेंट जो ली गई है वो वैल्यूएबल नहीं है, VNFI अवेलेबल नहीं होगा. एग्जाम्पल के तौर पे बोवेचर वर्सेस रावली रेजिस कॉर्पोरेशन का केस आप पढ़ सकते हैं. मेयर नॉलेज डज नॉट इंप्लाय कंसेंट, ठीक है, ध्यान सुनना. दो केस फिर से बताऊंगा. यहां पे अगर मैं एक टैक्सी ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने देखा कि ड्राइवर ड्रंक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और मतलब मेरे को स्मेल आ गई कि शायद इसने पी रखी है, फिर भी मैं बैठ गया. अब उसने गाड़ी ठोक दी, खुद मर गया, मेरे को भी इसने इंजरी कर दी. नाउ कैन आई फाइल द केस अगेंस्ट ओला उबर जिसका भी वो ड्राइवर था? आस्क योरसेल्फ, हैव यू कंसेंटेड नोइंग कि वो ठोकेगा? Have you consented the fact that the injury will be caused? नहीं जी, आपको पता था ठीक है वो पिए है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पिए है कि भाई उसकी हालत इतनी खराब है, इसका आइडिया आपको नहीं था और ना ही आपने इस पर कंसेंट दिया. समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पर कंपनी को VNFI नहीं मिलेगा. डैन वर्सेस
हैमिल्टन का केस ये हुआ। नेक्स्ट स्मिथ वर्सेस बेकर का केस आप देख सकते हैं, ठीक है। सब द नेगलिजेंस ऑफ अ डिफेंडेंट। एक बात बताओ यार, इफ आई एग्री कि सर्जन साहब मेरे को ठीक कर दो, ठीक है, हम आपको जो मना है वो करो लेकिन मेरे को ठीक कर दो कैसे भी, अब क्या यहां पे मेरी ये कंसेंट इस बात के लिए भी है कि आप नेग्लिजेंस कर दो, अपने काम को ठीक से ना करो, मेरे अगर मेरी कटाई पिटाई कर रहे हो तो अपनी अंगूठी अंदर ही छोड़ दो, कुछ भी है ना। सो उसकी वजह से जो हार्म होगा ना, नेग्लिजेंस की वजह से जो हार्म होगा ना, उसमें मेरे को VNFI नहीं मिलेगा। स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस लिमिटेड के केस में क्या हुआ, एक टनल था जहां से ट्रेन पास होती थी, अंधेरा रहता था लेकिन वो पब्लिक के द्वारा यूज किया जाता था। अब यहां पे ना ड्राइवर ने गाड़ी स्लो करी, ना ही बजाया हॉर्न, उसके अंदर एक इंसान को पहुंचा हार्म। अब बताओ कि क्या VNFI मिलेगा, कमेंट्स में मेरे को बताओ। नाउ सर देखो टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्यों, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, तुमको पूरा फील आ रहा होगा। उन्होंने ये दो केस देख लिए, पांचों इंग्रेडिएंट्स देख लिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए VNFI के दौरान। नाउ लिमिटेशंस या फिर एक्सेप्शंस ऑन द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन, यानी कि अगर हम बात करें कि क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, ठीक है, तो रेस्क्यू केसेस की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977, आई सजेस्ट कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेस्क्यू केसेस की, तो यहां पे एक बहुत प्यारा सा केस बताता हूं, बेकर वर्सेस टी हॉपकिंस एंड सन्स का। सुनिए सर, एक बात हुई कि एक कुआं में है दिक्कत जहां से कुछ गैशियस फ्यूम्स निकल रही हैं, और दो आदमियों को भेजा गया वहां पे उसको देखने दाखने के लिए, रस्सी रस्सी लगा के वो वहीं रह गए और वो वापस नहीं आ रहे थे, ना ही आवाज देने पे कोई उनको उनकी खैर खबर ली जा पा रही थी। नाउ यहां पे जो डॉक्टर साहब थे ना ऊपर, उन्होंने कहा कि आई गो एंड सेव दैट सीड कि वो क्या हो रहा है वहां पे। सबने उनको कहा कि देखिए आपको खतरा है, आपकी जान खतरा है, लेकिन देन ऑल्सो टू रेस्क्यू देम टू सेव देयर लाइफ ही जंप्ड इनटू द वेल। बट जब उनकी भी कोई खैर खबर आवाज नहीं आई तो उनको ऊपर खींचा गया, उनको उनकी हालत खराब थी, और जब वो डॉक्टर के यहां ले जाए जा रहे थे, हॉस्पिटल ले जाए जा रहे थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आप बताइए यहां पे VNFI मिलना चाहिए। देखिए कंसेंट उन्होंने दिया, लेकिन बात ही हम कर रहे हैं कि लिमिटेशन है यार, तो यहां पे रेस्क्यू केस की वजह से उन्होंने कंसेंट दिया, रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, सो हियर द VNFI विल नॉट बी एप्लीकेबल। आया मजा ना, बहुत सारे केसेस सीखे हमने, है ना। सो अगर तुमको थोड़ा लगा हो ना कि जल्दी जल्दी हो गया है, इट वॉज पर्पजफुली डन ब्रो, ठीक है, इस वीडियो को फिर से देखो। आई वॉन्ट, क्योंकि एक बार में ये सब चीजें याद नहीं होंगी, आई वॉन्ट कि तुम फिर से जाओ फिर रिवाइज मारो, फिर से जाओ फिर रिवाइज मारो, देन यू विल बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, और तुमको ये कहानियां तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी। सो अगर वीडियो पसंद आई ना तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन अगर तुमको लगा ना कुछ वैल्यू एड हुई है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाना ब्रो, ठीक है, चलते हैं मजे करना।